तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज एक थोड़ा सा मतलब अलग चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अलग चीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। बेसिकली देखो, मैंने बाहर थंबनेल वगैरह के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ वारंटी, मतलब कि वारंटी का क्या फ़ायदा होता है। आप हो, मैं हूँ, हर कोई जानता है कि यार हम कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, बाइक लिया तो बाइक के ही ब्याह पर बात करते हैं। इधर R15 खड़ी है, उधर अपनी ड्यूक खड़ी है। दोनों ही बाइकों को अगले महीने एक साल हो जाएगा। नवंबर के स्टार्टिंग में हमने जब इन बाइकों को परचेज करा था, इसके साथ यामाहा वारंटी देता है 2 साल 30,000 किलोमीटर की, और उधर खड़ी है ड्यूक, उसके साथ KTM वारंटी देता है 2 साल 40,000 किलोमीटर की। ठीक है, जिसमें से दोनों बाइकों को ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। उसकी आज तक कोई वारंटी क्लेम नहीं हुई है। मैं करवाने भी गया तो कोई मिली नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। इसके अंदर एक बार ही वारंटी क्लेम हुई थी, इसके अंदर ये DRL लग रहा था, उसको भी लेकर क्या बात है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो देखो मेरे दिमाग में क्या थॉट आया है कि हम लोग अपनी बाइक की, अपने व्हीकल की वारंटी बचाने के लिए भाई क्या नहीं करते हैं। हम कोई ज़्यादा आलतू फालतू वायरिंग के साथ छेड़खानी नहीं करते, कोई अलग से मॉडिफिकेशन नहीं करवाते। मेरी ड्यूक के अंदर आप लोग जानते हो मैंने इसमें एक फ्लैशर डाल रखा है, वो भी कौन सा, जिसके लिए कोई एक्सटर्नल बटन नहीं लगा है। अंदर कपलर टू कपलर कनेक्शन हो रखे हैं, और वो जो अपना फ्लैशर है वो चलता है, अगर मैं चाहूँ तो उसको निकाल के भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं हो रखा है। वहीं पर अगर R15 की बात करें तो इसके अंदर वारंटी के मामले में इसमें भी कोई ऐसा काम नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर मिनी ड्राइव लगवा रखी है। लाइट यहाँ पर कांगे मिनी ड्राइव, अच्छा इन्हें हटवा दी, यहाँ पे मिनी ड्राइव लगवा रखी थी जो हम लॉन्ग टूर पे वगैरह गए थे वो थी, और उसके अलावा पीछे थोड़ा टेल टाइडी वेल टाइडी लग रही है, इंडिकेटर वगैरह दूसरे लग रहे हैं, बस इतना काम हो रखा है। हालांकि उस काम के अंदर भी वायरिंग कट कहीं पे भी नहीं हो रखी है। अब मैं देखो यार एक बात सोच रहा था, अब इनकी वारंटी है हमारे पास, अभी दोनों बाइकें अंडर वारंटी हैं। अब बात आती है कि यार वारंटी के अंदर हमें चीज़ें मिलती क्या हैं। अब जैसे कि मेरा ये रेडिएटर टूटा, उन लोगों ने बोला कि भैया कुछ इंपैक्ट हुआ है, कुछ पत्थर वत्थर लगा होगा, इस वजह से आपको इसकी वारंटी नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है फिर मत दो, जब नहीं दे रहे तो फिर कोई बहस करने का मतलब नहीं बनता। इंपैक्ट सा भी दिख रहा था, मैंने कहा ठीक है चलो यार तुम नहीं दे रहे मत दो, या फिर शायद मैं बहस करता क्या पता दे भी देते, मगर फिर भी मैंने कहा जो एक जेन्युइन तरीके से बात होती है मत दो, मैंने कहा इंश्योरेंस में क्लेम कर दो। सस्ती चीज़ थी इसलिए मैंने तो पैसे दे के लगवा लिया, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा कुछ उसके लिए बोला नहीं है। बट सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी बाइक की ये लाइट ख़राब हो जाए, ये लाइट कम से कम कॉस्ट करती है, होगी यार 20-25 हज़ार रुपये की तो होगी, जब ये मीटर ही इसका 25,000 रुपये का है। अगर ये ख़राब हो जाए तो ये चीज़ अंडर वारंटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए मुझे कुछ पे नहीं करना है, जाना है दिखाना है कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये चीज़ है, इसको आप चेंज कर दो। बट वो लोग यार वारंटी क्लेम करने के टाइम पे क्या होता है, वो चीज़ों में कमी इस तरीके से निकालते हैं, अगर कमी नहीं भी है ना तो वो कमी ढूंढते हैं। क्योंकि अभी हुआ क्या था, 4-6 दिन पहले नीतू बताएगा, तो भाई देखो नीतू प्रधान बताएंगे, विक्की भाई की बाइक में वारंटी के लिए तुम क्या करवाने गए थे? मैं तो था नहीं भाई, तुझे मालूम है इसमें हम लोगों को थोड़ा दिक्कत आता थोड़ा है, किसी का स्टार्ट ही कर देती है और किसी का स्टार्ट ही नहीं करती। हाँ, 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 तो यहाँ पर ये चीज खराब हो गई थी, वो स्टार्ट कर रहे थे और हमें ऋषिकेश जाना, तो हमने बोला नाम लेते आदमी हाजिर हो गया, अभी इनसे ही पूछवा दूंगा। हाँ, तो हमने बोला कि क्या कहते हैं भाई इसको ना काम करो देख लो क्या दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने शायद चेक किया तो कह रहे खराब हो गया है, तो हमने बोला चेंज कर दो, वारंटी में तो है गाड़ी अभी साल उनकी, तो और भी हमारे से भी वो है, तो उन्होंने ना कहा कि अगर ये सारी चीजें तुमने नहीं लगवाई, क्योंकि एक्जेक्टली सेम उनकी बाइक में यही सब है, ये सब ना लगा हुआ, तो ये नहीं लगा होता तो हम कर देते, लगा हुआ है हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें फोटो भेजनी होती है। हाँ, मतलब उन्होंने फिर को सही करवा लिया, फिर नहीं करा। तो देख रहे हो भाई, वारंटी ना देनी पड़े उसके लिए वो हर वो चीज करते हैं कि मतलब जो उनसे बेस्ट हो सके ना, कि हमें वारंटी ना देनी पड़े। अब मैं बताता हूँ कि यार देखो मैं तो एक बात सोच रहा हूँ, अब मेरी बाइक अभी भी अंडर वारंटी है, पर इस वारंटी का मेरे को फायदा क्या है? मान लो कुछ खराब होता है या कुछ भी इसके साथ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी इंपैक्ट होता है, देखो इंजन की बात ऐसी है, इंजन वाइज कोई भी बंदा हो, कोई भी इतना आज की डेट में बेवकूफ नहीं है कि सर्विस ना कराए, अननेसेसरी चलाए चले जाए। और इंजन का कंपनीज को सबको पता होता है कि अगर हम 100 बाइक बना रहे हैं, 100 में से एक आदमी में डिफेक्ट आना एक अलग बात है, और उसके बाद भी अगर आप इंजन में कुछ काम कराने जाओगे ना, कुछ मेजर काम होना होगा, तो उसमें भी आपको कुछ पैसे कुछ कुछ चीजों के देने पड़ेंगे, और बाइक छोड़ना होगा, जो फटीक होगा वो तो एक अलग ही चीज है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बात आती है, देखो वारंटी आपको मिलती किस चीज़ की है। लोग कहते हैं इन लाइट्स की मिल जाती है, इनकी मिल जाती है, मैं कह रहा हूँ अगर ये खराब हो जाएंगे तो मैं तो इंश्योरेंस में भी क्लेम करवा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ये इंश्योरेंस में क्लेम कर देंगे, इंश्योरेंस में भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यार वारंटी का हमें बेसिकली फ़ायदा क्या है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हाँ, वारंटी का आप एक बेनिफिट ये कह सकते हो कि अगर मान लो जैसे मेरा मीटर खराब होता है, मुझे मीटर चेंज कराने जाना, तो मैं जाऊँगा कहूँगा भैया दूसरा मीटर लगा, तो वो इंस्टेंटली निकालेंगे, इसे दूसरा लगा देंगे, इसको आगे कंपनी भेजेंगे, जो उन्हें करना है वो उनकी हेडेक है, उसमें मेरे को कोई एडिशनली पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट अगर मैं वही काम इंश्योरेंस में कराऊंगा तो वो इंस्पेक्शन टीम होगी, टाइम लेगा, वो थोड़ा टाइम जाएगा, बट ये है कि जहाँ मुझे 25,000 रुपये लगने थे वहाँ मेरा 1,000 रुपये में फाइल चार्ज पे करूँगा, उसमें काम हो जाएगा, और वो इंश्योरेंस में क्लेम में दिखा देंगे कि जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, और मतलब इंश्योरेंस में सारा काम हो जाता है, जो बात है। अब जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इस बाइक का DRL खराब हुआ था, इसकी बाइक का जब DRL खराब हुआ था ना, तो देखो यार अब जो एक चीज़ है, अब थोड़ा बहुत आप जिस भी फील्ड में हो उस काम को करते हो तो उस चीज़ से थोड़ा बहुत फ़ायदा रहता है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत भाई हमको जानते भी हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान भी है, तो उन्होंने हमारा जो ये था क्या नाम है इसका DRL, इसको वारंटी में चेंज करवा दिया था,
के लिए भी मतलब हमें इतना नहीं बोलना पड़ा था, थोड़ा बहुत बोला उन्होंने, इसको चेंज करा दिया। तो वहाँ पे हमें लगा कि यार चल ठीक है, वारंटी में क्लेम हो गया इसका, हमें एक चीज़ ये लगी थी। बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर कोई नॉर्मल बंदा जाता जब ये वाला DRL होता और यहाँ पे नीचे की तरफ दो मिनी ड्राइव लगी हुई थी छोटी वाली लाइट, छूटते ही सबसे पहले वो मना कर देते, कह देते कि भैया आपकी लाइट वाइट लग गई, आपने वायरिंग में कुछ करवाया होगा, तो हम आपकी DRL चेंज नहीं कर सकते, हो सकता है आपकी DRL उसकी वजह से खराब हुई हो। मतलब कि वारंटी उन्हें ना देनी पड़े उसके लिए वो हर पैतरा अपनाते हैं, हर तरीका बताते हैं, तो वो चीज़ करते हैं। अब इस चीज़ का एक एग्जांपल मेरे दोस्त जो है अजय, जिसकी TVS अपाचे RR है 310 है, उसका एक बारी फ्यूल पंप खराब हुआ था, उसको तो बड़ी मुश्किल से कह कह के अंडर वारंटी चेंज करवाया था, 2 महीने पुरानी थी बाइक, 1.5 महीना, और उसके बाद फ्यूल पंप खराब हुआ, फिर 6-7 महीने पुरानी थी, तो तब जाके हमने 7,000 रुपये पे करे, या अजय ने 6,000 रुपये पे करे और फ्यूल पंप चेंज कराया, तो कहाँ फ़ायदा है यार वारंटी का। मैं मानता हूँ हाँ यार वारंटी एक अच्छी चीज़ है, वारंटी होनी चाहिए आपके व्हीकल की, बट यार उसकी यूजेबिलिटी कहाँ पर आ रही है? आपके टायर घिस जाएंगे, आपको डलवाने पड़ेंगे, कटवट लग जाए वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, आपकी क्लच वायर जाएगी, आपका मीटर में कुछ प्रॉब्लम आएगा, या फिर मतलब मीटर तो चलो वो शायद मे भी कर देंगे, ठीक है, और उसमें भी पहले ये देखेंगे कोई आपकी चीज़ में मतलब आपने कोई बाहर से एक्सटर्नली काम ना करा रखा हो, है विक्की भाई। अब देखो विक्की भाई आ गए, विक्की भाई आपकी बाइक के लिए जब आप लोग ऋषिकेश जा रहे थे तो आप लोग बटन के काम के लिए गए थे, तो उन्होंने बटन का काम करने से मना कर दिया था। हाँ, मना कर दिया। अब मुझे कह रहे हो वारंटी में नहीं है, और क्या नाम है, अगर लगवाओगे तो 1500 रुपए लगेंगे, इसकी वारंटी नहीं दे रहे थे? नहीं, तो कह रहे कि इस वजह से वारंटी नहीं दे रहे थे कि पीछे, हाँ, सॉरी वो इस वजह से वारंटी नहीं दे रहे थे कि मैंने पीछे सब निकलवा के टेल्ट आईडी वगैरह। एक बात बताओ, सच बताना, अपने दिमाग से सोच के उसको छोड़ो, उसको गोली मारो, अभी हमारी बाइकों की वारंटी है इनकी, वारंटी का ऐसी का क्या फायदा जब वो आपका बटन ही नहीं बदल के दिया? वही तो, आदमी अपनी बाइक को अच्छी बनाने के लिए अपने एंड से हर काम करता है, अपनी बाइक को अच्छी से अच्छी रखने के लिए हर काम करता है, इंजन वाला अच्छा डलवाता है, बढ़िया सर्विस करवाता है, टाइम टू टाइम पैसा लगाता है। मैंने उनसे ये पूछा कि भाई जैसे आप लोग यमहा का ऑयल, इंजन ऑयल डालते हो, अगर हम बाहर से मोटो ऑयल का लाके, हाँ, मोटो ऑयल तो आप डाल दोगे? तो कह रहे नहीं, वारंटी खत्म कर देंगे, वारंटी खत्म हो जाएगी। मगर ये तो यार उससे भी अच्छी चीज़, उससे भी अच्छी चीज़ हम अपने इंजन के लिए अच्छी कर रहे हैं, मगर वो चीज़ में वारंटी आप ला चलो चलो छोड़ो, वो उनकी कंपनी का जो भी पॉलिसी होगी उस बारे में हम कुछ नहीं बोलते, मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी जैसे मान लो डुगासुर वारंटी में था, इसका रेडिएटर फूट गया, मुझे क्या फ़ायदा हुआ इसकी वारंटी में होने का? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, जो आप बाहर से ही लगवा रहे हो, बाहर से ही लगवा रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, पैसे कोई फायदा नहीं है। अब एक बात सोचो, मान लो भगवान ना करे कल के दिन को कोई बाइक क्रैश हो जाती है, टूट फूट जाती है, तब इंश्योरेंस में तो वो काम हो ही जाता है। हाँ, ये तो है। अगर गाइस मान लो कोई पार्ट हमारी बाइक का खराब हो गया, मान लो इसका DRL लाइट पाइट खराब हो गई, मान लो कोई शीशा टूट गया, कुछ भी हो गया, हम जाए कहेंगे इसे इंश्योरेंस में दिखा दो, चेंज करा दो, बस हो जाता है, हो जाता है। वारंटी में अगर आप चीज़ लेने जाओगे, अगर उनके पास सामान नहीं मिलेगा तब तक तो आपको वही खराब ही चलाना पड़ेगा ना, जब सामान आएगा तभी तो डलेगा। तो मुझे विक्की भाई, मेरे दिमाग में ना आज एक यही सवाल आया था, तो जिस चीज़ पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि यार हमें इस वारंटी का फायदा क्या है? फायदा भी नहीं, और प्लस क्या है ना, देखो इसके फायदे नुकसान दोनों चीज़ों के होते हैं। फायदे इसके ये, अगर कोई पार्ट खराब हो जाएगा इंस्टेंटली चेंज करके दे देंगे जो करने लायक होगा, मगर करने लायक पार्ट होगा क्या? मीटर वो इतनी जल्दी नहीं खराब होगा, लाइट वो इतनी जल्दी नहीं खराब होगी, इंजन वो तो आपके ऊपर, आप कैसे उसे टेक केयर कर रहे हो, और बाकी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जिसकी आपको वारंटी दे। किस चीज़ की वारंटी देंगे? वारंटी भी नहीं, और प्लस क्या है कि जो अगर हमारी गाड़ी में कोई टूट फूट जाता है तो भाई आपका तो सर्विस सेंटर है, इन लोगों को स्टॉक पहले ही रखना चाहिए, एक आधा पीस तो इनको हमेशा एनी टाइम रखना चाहिए, पर यार सर्विस सेंटर वाले नहीं रखते हैं, गाड़ी रखो फिर उसके बाद क्लेम में दिखाओ, 1-2 महीने तक गाड़ी रखते हैं, वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई, जो विक्की भाई कह रहे हैं कि मतलब इतने दिन तक वो बाइक ही नहीं देते, वो भी है, वो एक अलग चीज़ है। मगर विक्की भाई देखो, मेरे दिमाग में यही एक सवाल आया था, ऐसी वारंटी का हमें क्या फ़ायदा है? आप एक बात सोचो, तो इनका 2-3 बार क्लेम हो गया, जो काम हुआ क्लेम हुआ, उसके लिए पैसे दिए हैं। वारंटी में बस एक इसकी DRL चेंज हुई थी लक्की की बाइक की, वो भी क्यों? क्योंकि थोड़ी जान पहचान है, इस वजह से। अगर कोई नॉर्मल बंदा सीधा आदमी जाएगा नहीं मिलेगी यार, है ना, तो फायदा क्या है इस वारंटी? और हम इस वारंटी के लिए पैसे भी देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी करवा लेते हैं और इस चीज को, इसी वारंटी को बचाने के लिए कोई अलग से एडिशनली मॉडिफिकेशन नहीं कराते? आपके डिस्पैच जो थे 1 हफ्ते में खत्म, 1000 किलोमीटर 10 दिन में खत्म हो गए थे, 1000 किलोमीटर भी चले थे, तो फिर उसका क्या हुआ? वो तो भाई ने कर दिया, वही जान पहचान, बस वही चीज है ना, 200 रुपए लगा। हाँ। उन्होंने कहा भाई लेबर चार्ज दे देना, बाकी ये डिस्पैच मैं दूंगा नहीं, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि पुरानी वाली डिस्पैच दी नहीं उन्होंने। मतलब अगर नॉर्मल लेमैन आदमी जाए या नॉर्मल बंदा जाए तो उसको तो पैसा लगेगा लगेगा, है ना, पैसा लगेगा, पर मेरा 200 रुपए में। चलो डिस्पैच खैर कोई गारंटी माने वाली चीज नहीं, वो तो विक्की भाई बस अपना एक ओपिनियन बता रहे हैं कि इनका जैसे डिस्पैच बहुत जल्दी खत्म हो गया था, क्योंकि उस बंदे ने खुद लगाया था और वो जानता भी है कि भाई ये लोग यूट्यूबर वगैरह, तो वो चीज़ है भाई, जिस फील्ड में उस फील्ड का थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है, बस यही एक चीज़ है भाई। देखो बाकी इसके लकी की बाइक के अंदर कौन सेट की दिक्कत आई थी, अब कौन सेट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमें नहीं पता कैसे खराब हुआ है, बाइक खड़ी है 10 दिन घर के बाहर खड़ी रही है, कौन सेट कम से कम 2 बार चेंज करवा दिया और 2 बार 1200 2400 2500 रुपये दिए और सारा काम पैसे दे दे के होता है, तो फिर फायदा क्या है भाई इस वारंटी का?
तूने कौन सेट के लिए पूछा था वारंटी में कुछ देने के लिए? कह दिया होगा घिसने वाला है। इन चीज का तो आती भी नहीं है, आती है? पता नहीं नहीं, अब अभी तो 6-7-8 महीने बाइक पुराने, कौन सेट खराब हो गया पता ही नहीं भाई। मतलब मैं यही तो मेरा एक थॉट है, यही मेरा एक आज की इस पूरी वीडियो का सवाल है। कमेंट करके बता देना मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वारंटी का ऐसी हमें फ़ायदा क्या है इसका। मैंने तो आज तक भाई मेरी R15 मैंने ऑन करके 1 साल में बेच दी, मुझे उसमें कोई वारंटी मतलब कभी क्लेम ही नहीं करनी पड़ी, जो सच बात है। डोमिनार 1 साल रख के बेच दी, उसमें कोई वारंटी क्लेम नहीं करनी पड़ी। इसमें गया था जिंदगी में पहली बार क्लेम करने रेडिएटर को लेके, वो उन्होंने दी नहीं, तो फिर मेरा तो अब वारंटी से विश्वास ही उठ गया है। अविराल भाई हैं, उनकी बाइक की फर्स्ट डे से वारंटी वॉइड है, उन्होंने खत्म करवा रखी है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। Duke 390 उनके पास भी, आप लोग जानते हो अविराल भाई ऑल अबाउट ओलंपिया, तो वो अभी गए हुए हैं राइड पे, राइड से जब आएंगे तब उनकी बाइक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। वो उनका पता है क्या कहना है, उनका कहना है मुझे इस वारंटी का करना है क्या, जब कल के दिन को कुछ काम करना करवाना होगा तो मुझे पैसे तो वैसे भी देने पड़ेंगे, क्लेम में कराना पड़ेगा, ऐसी तैसी में गई ऐसी वारंटी, इससे अच्छा मैं खुद मेंटेन कर लूंगा। उनकी वारंटी किस बात पर वॉइड हुई थी ये डालते हैं। KTM वाले अपनी बाइक के अंदर मॉड्यूल 7100 10W50 इंजन ऑयल उन्होंने अपनी बाइक के अंदर डलवाया, मॉड्यूल 300V जो मैं लास्ट सर्विस में बता रहा था। तो जैसे उन्होंने अदर ब्रांड का इंजन ऑयल डलवाया वारंटी वॉइड हो गई। अब कल के दिन को किसी भी चीज़ की वारंटी ले जाएंगे उनको नहीं देंगे, कह देंगे जी आपका तो जो इंजन ऑयल है वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा हुआ, तो बस मतलब ठीक है तो वॉइड हुई गई है, वो तो कोई वही नहीं है। बट ठीक है यार, वो अच्छी चीज़ है, बंदा कोई गलत चीज़ थोड़ी ज़्यादा डलाएगा। अब मेरे पास मेरा वही कलम, उसमें कोई गलत चीज़ थोड़ी डलाऊंगा, अच्छी डलाऊंगा ना, तो वो एक चीज़ है। अब भाई आप लोग बताना इस वीडियो का, तो मेरा बस यही एक थॉट था, आप लोगों से पूछना चाहता था कि व्हाट इज़ वारंटी, मतलब क्या बेनिफिट है इसका। ठीक है फिर भाई, इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।